नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडी अराउंडर शो में। तो दोस्तों, बात करने से पहले आप सबका धन्यवाद जो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप कमेंट्स में कुछ लिखते नहीं हैं, तो आप कमेंट्स में कुछ लिखिए, बताइए कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या देखना है साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में। और साथ में जो नए हैं वो भाई अवश्य सब्सक्राइब कर दे और बेल का आइकन अवश्य दबा दे, ताकि मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिले। तो चलिए बात करते हैं पानी में आग लगाएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, पानी का बहुत महत्व है हमारे जीवन में और हम पानी के बिना रह नहीं सकते। लेकिन पानी में आग लगाया जा सकता है? तो कुछ ऐसे केमिकल है जिसे पानी में आग लगाया जा सकता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो आज एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि पानी में किस प्रकार से आग लगाया जा सकता है या लगाया जा सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पानी में आग लगाने का प्रयोग करते हैं। हमारे पास तीन गिलास है, तीनों गिलास खाली है और तीनों गिलास के पास ज्वलनशील लिक्विड मौजूद है। Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just got Tiger, पानी में आग नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास दो गिलास बचे हैं, दोनों में बराबर पानी है। तो देखते हैं दोनों में से अब कौन है जो पानी में आग लगा सकता है। तो दोस्तों, नेल पॉलिश से ट्राई करते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि जितना मात्रा हो जाए जिससे हम पानी में आग लगा सकते हैं, इतना काफ़ी है। और चलिए माचिस मारते हैं। नेल पॉलिश एक ज्वलनशील है, इसे स्मेल जो आता है वो आप समझ सकते हैं, जल सकते हैं। और हाँ, इससे आग तो लग गया है, लेकिन पानी में उसका कलर दिखाई दे रहा है, पानी साफ नहीं है और ये बुझ गया, ये बराबर जल नहीं पा रहा है। फिर एक बार ट्राई करते हैं और ये जल नहीं रहा है दोबारा, लेकिन उसका जो लिक्विड है वो परत बन गया है पानी में। और स्पष्ट कह सकते हैं कि ये सही मात्रा में पानी में आग नहीं लगा सकता, क्योंकि ये लिक्विड ही आग लग रहा है बस। तो ये फ्लॉप हो गया है। दोस्तों, लास्ट ग्लास बचा हुआ है और पेट्रोल क्या पानी में आग लगा पाएगा? वैसे सब जानते हैं पेट्रोल ज्वलनशील है, लेकिन पानी में आग लगाना यह मुश्किल है। थोड़ी सी मात्रा में हम डाल देते हैं और चलिए माचिस मारते हैं। और ये माचिस हल्का सा लगता ही, ये तो आग लगा दिया है पूरे गिलास के ऊपर, चारों तरफ आग लगा हुआ है और पानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पानी में किसी प्रकार का कलर नहीं है, सादा पानी है और आग स्पष्ट जलता हुआ है। डेंजर हो सकता है मेरे लिए, ग्लास फट भी सकता है। बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बुझ नहीं रहा है, लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़बरदस्त आग लगा हुआ है। ये बहुत ज्वलनशील है पेट्रोल, आप समझ सकते हैं। तो इसमें पेट्रोल ऐसा है कि यह सबसे ज्वलनशील है, पानी में बराबर आग लगा सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप समझ सकते हैं पेट्रोल बहुत ज्वलनशील है।